अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आई हूँ एक नए तरीक़े से। नए नहीं बोल सकते, सब जानते हैं, टैटोस तो सभी खाते हैं और सब बनाते भी घर में। मैंने एक नए तरीक़े से बनाया है और मैं अपने तरीके से बनाई हूँ इसे, नान टैटोस बनाई हूँ मैं। तो आप चलिए मैं इसे वीडियो स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए मैंने शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई किया है। पैन में ऑयल थोड़ा ले लें और उसमें शिमला मिर्च और प्याज अच्छा से फ्राई करें, वो फिर फ्राई हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन डालना है, आपको ब्लैक पेपर डालना है, लाल मिर्ची डालना है, गरम मसाला डालना है, ये सब सारा मसाला इसमें डाल सकेगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से नमक दे दें, जो अपने मुताबिक चाहते हैं उस मुताबिक आप नमक दें और अच्छे से इसे फ्राई करें, अच्छे से जब तक ये फ्राई हो जाए, मसाला भून जाए थोड़ा। तो इसमें एक तो आधा लेमन का रस आप डालें, लेमन डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो इसमें रखा था चिकन का कीमा, वो बॉइलिंग कीमा है, तो उसको इसी तरह से आप उसमें डाल दें और डाल के अच्छे से इसे फ्राई करें या मसाले के साथ मिक्स करें और अच्छी तरह से, कोई भी जगह का उसका वाइट ना रहे, अच्छी तरह से वो ये हो जाए, एकदम मिक्स हो जाए। और यहाँ देखिए मैंने नान लिया है फ्रेंड, ये मेरा नान है, तो मैंने ये नान लेके इस तरह से फोल्ड किया है। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने इसमें रखा है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ चीज़ लिया है और चीज़ का एक लेयर लगा दिया है इसमें मैंने अच्छी तरह से, और आप भी ले सकते हैं, कोई भी तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उसके चीज़ के ऊपर मैंने वो जो बनाए थे कीमा और शिमला मिर्च का मिक्स, तो वो मिक्स को मैंने इसके ऊपर अच्छा से डाल दिया है। देखिए एक लाइन पूरा अच्छा से फिलअप कर दिया है, और उसके बाद में अच्छा से फिलअप करने के बाद ऊपर में मैं फिर से चीज़ लगाऊंगी, तो एक लेयर और चीज़ का लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं एक लेयर और चीज़ का लगा रही हूँ फ्रेंड। तो आपको जो भी चीज़ अच्छा लगे, पसंद आए, उसी तरह से आप इस्तेमाल करें अपने घरों में। और उसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया है अच्छा तरीक़े से फोल्ड करके, और उसके बाद मैं इसे तवा में हल्का सा बटर लगा के इसमें अच्छा तरीक़े से सेक दिया है, दोनों तरफ से अच्छा से पलट पलट के मैंने सेका लगाया है इसमें, इसी तरह सेका लगाया है। और आपके लिए रेडी है अब ये नान टैटोस खाने के लिए, आप डिनर में लंच में अच्छा से आराम से ले सकते हैं इससे, और संतुष्ट होकर घर में खुशी खुशी बना सकते हैं। अपने आप अपने अपनों को खिलाइए, आप खाइए, खुश रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूले फ्रेंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।